उनाकोटी से हमारे कई दर्शक रूबरू होंगे, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी बेहद ही रहस्यमय मूर्तियां जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर दे। दरअसल उनाकोटी एक बंगाली शब्द है, इसका मतलब एक करोड़ से एक कम माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के पत्थरों में देवी देवताओं 99,99,999 मूर्तियां तराशी गई हैं। वैसे तो इन मूर्तियों से जुड़ी कई किंवदंतियां सामने आती हैं, लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प है त्रिपुरा के माणिक्य राजाओं द्वारा लोकप्रिय की गई कहानी। बता दें कि इसका संबंध भगवान शिव से है। कहते हैं उनाकोटी के इन्हीं जंगलों से होते हुए शिव जी काशी जा रहे थे और एक रात यहीं रुक गए। उनके साथ 99,99,999 देवी देवता मौजूद थे। शिव जी ने उन सभी को सूर्योदय से पहले उठने को कहा था, लेकिन अगली सुबह जब कोई भी समय पर नहीं जागा तो उन्होंने सभी को श्राप देकर पत्थर में बदल दिया। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि कालू नाम के एक शिल्पकार जो इसी इलाके में रहते थे, वो भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसे में अपनी भक्ति से वह भगवान शिव और माता पार्वती को खुश करके उसके साथ कैलाश पर्वत पर रहना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी लोक से किसी भी इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं था। जाहिर है भगवान शिव ने उन्हें इस बात के लिए मना कर दिया, लेकिन कालू अपनी जिद पर अड़े रहे। ऐसे में भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उन्हें एक रात में 1 करोड़ 1 कोटि मूर्तियों का निर्माण करना था। भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर रहने के लिए रखी गई इस शर्त को पूरा करने के लिए कालू शिल्पकार तन मन से अपने काम में जुट गए। रात भर में उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन सुबह गिनती के बाद मालूम चला कि वे 99,99,999 मूर्तियां ही बना पाए, यानी 1 करोड़ से एक कम। ऐसे में शर्त पूरी न हो सकी और भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर्वत नहीं जा सके। हालांकि इन बातों को हटाकर अगर इतिहास की तरफ गौर करें तो पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये जगह 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाई गई है। उनाकोटी की ये रहस्यमयी मूर्तियाँ कब बनी और इन्हें किसने और कैसे बनाया, यह गुत्थी को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक चट्टान को काट कर बनाई गई इतनी सारी भव्य मूर्तियाँ भारत में किसी अजूबे से कम नहीं है।